नमस्कार बच्चों, क्या आप आज तैयार हैं नई मात्रा सीखने के लिए? तो आज हम चंद्र बिंदु की मात्रा सीखेंगे। पाठ का नाम है झुमरू। तो हम झुमरू कहानी का भी आनंद लेंगे और नई मात्रा भी सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्र बिंदु का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। आ, पूरा मुंह खोलकर और ध्वनि नाक से आनी चाहिए। आ, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को भी ध्यान पूर्वक देखेंगे। सुबह का समय था, चिड़ियां चहक रही थीं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। गांव में सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। झुमरू ऊंट वाला भी अपनी बांसुरी और खाने की पोटली उठाकर काम पर निकल पड़ा। आज उसे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। लकड़ियां चुनते चुनते जब उसे भूख लगी तो उसने हाथ मुंह धोए और अपनी पोटली की गांठ खोलकर खाना निकाला। खाने में उसने मूंग की दाल, रोटी और आंवले का अचार खाया। फिर उसने दो पानी पिया और पेड़ की छांव में बैठकर अपनी बांसुरी बजाई। थोड़ी देर के लिए वह सो गया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने अपने सामने एक सांप बैठा देखा। वह कांप उठा। उसने मन ही मन राम का नाम लिया और देखते ही देखते वह सांप वहां से चला गया। उसकी सांस में सांस आई। शाम को लकड़ियां चुनकर झुमरू घर के लिए वापस निकल पड़ा। तो आपने इस पाठ में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को ध्यान पूर्वक सुना। तो आइए इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। बांसुरी, छांव, सांप, मुंह, मूंग, तितलियां, लकड़ियां, सांस, आंवला, वहां। अब पाठ में आए कठिन शब्दों को शब्दकोश के माध्यम से अर्थ सहित जानते हैं। चहकना अर्थ है चिड़ियों की आवाज। पद परिचय क्रिया। मुझे चिड़ियों का चहकना पसंद है। अगला शब्द है मंडराना अर्थ घूमना। पद परिचय क्रिया। अब इस शब्द को में जानते हैं। तितलियों को फूलों पर मंडराना पसंद है।
अगला शब्द है छांव, अर्थ है छाया, पद परिचय क्रिया। वाक्य पेड़ हमें छांव देते हैं। तो आज हमने कौन सी मात्रा सीखी? चंद्र बिंदु। इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं क्योंकि इसकी ध्वनि नाक से आती है। मुंह पूरा खोलकर और नाक की ध्वनि आने के कारण इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो अब आप सभी चंद्र बिंदु मात्रा के सभी शब्दों का उच्चारण सहित अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।